ओके एंट्री फी कितना होता है? अंदर में रख सकते हैं, लेकिन क्यों बाहर कराया ये लोग? पुलिस से क्या अंदर में शायद सांगरी ओ सॉरी सांगरी रिसोर्ट कुछ वेडिंग प्लानिंग हो रहा है क्या ना? क्या है ऐसे भी कर देता है बच्ची को मत मार दे। तो फ्रेंड्स अभी हम यहाँ में मेरा बड़ा बेटी लोग का साथ यहाँ घूमने के लिए आया है। ये है सांगरी रिसोर्ट ना, सेपा में है ये। बहुत सारा कुछ है आइडियाज, अच्छा है बच्चा लोग के लिए तो बहुत काफी अच्छा है। वाओ फर्स्ट टाइम लाइफ में ग्रीन वाला जिराफ देखा है, ग्रीन वाला जिराफ। और यहाँ से ऐसा कुछ जाता है, वाओ ये बहुत सुंदर है, अच्छा बनाया है। हमको तो सबसे बेस्ट मेरा बेस्ट पार्ट ये है, सीरी जो सबसे अच्छा बना है मेरा ये, यहाँ से दूंगी बताएंगे। स्टेप लॉक इतना बढ़िया से बनाया है, बाद में आप लोग को नीचे भी जाके दिखा देगा हम। अभी फिलहाल ये ऊपर से ही व्यू देख लो, पीछे में नदी है। ओ वाओ यहाँ स्विमिंग पूल है, अभी दिखाए हम। अच्छा और यहाँ कुछ का नजारा ऐसा है, आप लोग देखो यहाँ में लाइट हट, आप लोग को व्यूज दिखाएगा थोड़ा यहाँ से ना, नदी का व्यूज आदमी मछली पकड़ रहे, हाथ से पकड़ रहे मछली। यहाँ नदी का व्यू ऐसा कुछ है, से निकल गया अभी हम लोग। बहुत दुख लग रहा है, बेटी को छोड़ के तो जा रहा है, फिर भी क्या करेगा, वो आ जाएगा, वो अभी वेकेशन में आ जाएगा। नॉट वेकेशन, अभी 31st न्यू ईयर आने वाला है तो उसके बीच में शायद उसका छुट्टी मिल सकता है, तो उसमें आ जाएगा। फिर भी उसका रोआ वाला देखे तो दुख लगता है, रो रहा था बेचारा, कोई बात नहीं। तो अभी हम सेपा से निकल गया, बाय बाय सेपा, फिर मिलते हैं। तो फ्रेंड जाते जाते हम वो रास्ता में एक प्यारा सा एक झरना दिखाया दिया है, देखो इतना सुंदर झरना, और मेरा बच्चा उसको एंजॉय करने जा रहा है। आते ज़्यादा दूर में जहाँ और वाह इतना ऊपर से आ रहा है, देखो झरना सामने जाके दिखाएगा आप लोग को। ये देखो सामने से कुछ ऐसा दिखता है, जैसा लग रहा है ना, बहुत सुंदर है। देखो क्या सुंदर झरना। और यहाँ हम लोग अभी आ गया है, वाओ देखो इतना अच्छा व्यू है यहाँ से, वाओ। इसको बोलता है पापू वैली, पापू वैली बोलते हैं ना, ये पापू वैली है। देखो यहाँ से फ्रेंड्स भी इतना अच्छा व्यू है, आदमी लोग यहाँ से वो करते हैं और पैरा ग्लाइडिंग करते हैं यहाँ से आदमी लोग ना, ये सबसे टॉप में आता है, उसका यहाँ से दौड़ के उड़ के वहाँ चला जाता है। वाह वाह इतना सुंदर, इतना हवा भी आ रहा है। वाह कम है वहाँ तो, वाह हम तो दिखाई भी नहीं दे रहे कैमरा में। वहाँ में देखो फ्रेंड्स इतना इलायची का बागान इतना सुंदर से है, वाह आप लोगों को हम स्लो मोशन से दिखाएगा।
इतना सुंदर है ना ये व्यू। कार ये देखो, यहाँ से भी इतना सुंदर लग रहा है। हर एक आप लोग को सबको रास्ता में हम छोटा छोटा जो क्लिप ये सब दिखाने के लिए जितना हो सके कोशिश कर रहा है। तो ये हम आप लोग को पहले भी मेरा पहले का ब्लॉग में भी बताया कि हम ये मेरा ब्लॉग जो सिर्फ अरुणाचल का फ्रेंड्स लोग के लिए नहीं है, मेरा ना मेरा और भी बहुत सारा फ्रेंड्स जो बाहर से है, सब्सक्राइबर्स भी है बाहर से, तो ये उन लोग के लिए है कि ये लाइक हम लोग का अरुणाचल का व्यूज़ दिखाने का कोशिश कर रहे हैं जितना हो सकेगा। तो छोटा मोटा क्लिप्स जितना भी हम ऐड करेगा आप लोग सब इसमें इंजॉय करिए। और या अरुणाचल का लोग ज़्यादातर लोग तो आता है, पता है सबको यहाँ में कि ये कैसा है जगह। तो जो नहीं जानता है, जिसको पता ही नहीं है कि अरुणाचल के बारे में कुछ आइडिया नहीं है, तो ये उन लोग के लिए है। देखो अरुणाचल कितना सुंदर है, हम लोग का अरुणाचल। वो क्या है, वो पुखड़ी जैसा लग रहा है पानी का ना, वो जितना देख रहे सब पानी खेती, पानी का खेती है पूरा। यहाँ से इतना चावल सप्लाई होते हैं ना, जब पक्के किसान का एरिया में तो नहीं भी ना, नहीं सेफा का अंदर में है, पक्के किसान का एरिया नहीं है। नदी का उस पार होने से साइड ना पा, ये जो नदी का उस पार है डायरेक्ट बाउंड्री का जस्ट ऐसा उस पार बाउंड्री, अलग जगह अलग वैली, ये अलग वैली है और नदी जो आप लोग देख रहे ना वो जो नदी उसका उस पार वो अलग वैली हो गया। तो ये नदी ही दो वैली को कनेक्ट करके रखा। देखो फ्रेंड्स तो सुंदर है ना व्यूज। अभी यहाँ में एक लोकल बाला दिखाई दिया है, कुछ क्या क्या सब्जी है ये, मिर्चा कैसा कर रहा है ये, हाथी मिर्चा एक मक्का 100 ना, और ये यूप कैसा कर रहा है 100, ये एक मक्का 100 बोल रहे हैं। ये पप्पू एक बाग ले लेगा ना, ये 100 ना, एक पप्पू ले लेगा, ओके एक पप्पू ले लेगा, ये एक ले लेगा, ये ले लेते हैं। पुराना है ना, नया ऐसे नया पा नया तो इसको ले लेते हैं। पर देख लेते हैं यहाँ, देखो लोकल सब्जियाँ क्या क्या है यहाँ में, मेंढक को एक बार देख लेगा। एंड दिस इज कॉल्ड मेंढक, ये मेंढक है फ्रेंड्स। आलू है जो मीठा, मीठा आलू नरम सी मेंढक, इसी का मेंढक ए ओके सी हो गए बम्बू और सी ना पेहा, पत्ता डाला है, पत्ता डाली नाम पत्ता नहीं, ऐसे वाला ये नहीं है ना, ये मेरे एक है नहीं, उसका जैसे उसका बच्चा उसका स्वाद अलग होता है। सी हो गए तागों, तागों क्या है, कैसे खाता है इसको, ये तोड़ती चकनी खाता है, चकनी अच्छा पा, इसको इसको चटनी खाते हैं, कभी खा के देखा है, ट्राई करके देखा है, क्या नहीं दे माँ, उस साइड पे देख लो माँ के लिए तनम ले दो माँ, तनम देना उसी दोपा को पा, एक तो है तो वही दो पक नहीं नहीं ये अलग है, अलग है ना, चिंगरे नहीं है ना, हां से अलग है, नहीं है ना, तो नहीं खाएगा वो, नहीं है दरम तब तो सीजन है, तब तो क्या करेगा। हेलो मेरा मोमिन लो, जो हम लोग को एक सामान धोने के लिए बोला था
वो नहीं मिले, जो ऑफ सीजन है उसका एक आलू होता है हम लोग का लोकल आलू जो पहाड़ में मिलता है, और उसका बाद मकई मकई कॉर्न ढूंढने के लिए बोला था तो दोनों में से कोई भी नहीं मिला है, बैड लक। बाकी सब कुछ है, सिर्फ बस उसने जो मांगा वो नहीं। पूरा धान खेती है ये सब, पूरा इतना बड़ा बड़ा चट्टान। ये जो बेली पॉइंट है ना फ्रेंड्स, यहाँ से ना ये सब हम जो अभी जो यहाँ से देख रहे हैं इसको एक्चुअली वो वहाँ से दिखाई देता है, वो ऊपर में आप लोगों को नजर नहीं आ रहा, वो ऊपर में जो दिख रहा है ना एक पॉइंट, वहाँ से खड़ा होकर देखिएगा ना तो ये पूरा वेली पूरा व्यू इतना अच्छा लगता है ना एक साथ में, तो आप लोगों को हम बाद में वो वहाँ से दिखाएगा। अभी फिलहाल तो हम ये नीचे से खींच रहे हैं अपोजिट साइड से, जो आप लोगों को हम छोटा नीचे से जो दिखा रहा था, जिसको दिखाने का कोशिश कर रहा था ना अभी थोड़ा देर पहले, हम वो नीचे में था। ये है व्यू, ये व्यू पॉइंट, ये देखो, ये हम जो वो नीचे में था, वो नीचे में था, आपको वो नीचे से हम आपको वीडियो अभी जस्ट वहाँ से हम आपको बताया था कि हम यहाँ से आप लोग को व्यू दिखाएगा। देखो इतना सुंदर लगता है ना व्यू, इसको पके केसांग व्यू पॉइंट बोलते हैं। ये पके केसांग टाउन को पहुँचने से पहले होता है, लेकिन आप लोग को उल्टा दिखा रहा है क्योंकि अभी हम सेपा से आ रहे हैं ना, तो इसलिए हम आप लोग को उल्टा दिखा रहे हैं। लास्ट टाइम खींचने का मौका नहीं मिला था क्योंकि हम लोग बहुत लेट हो रहा था ना, इसलिए अभी हम खींचाए। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग पहुंच गया सेपा से, अभी घर पहुंचे, जस्ट अभी पहुंचे, पहुँचते ही बहुत थक गया हम ना, तो थकने का वजह से अभी हम लोग सब रेस्ट करेगा, फ्रेश आउट करेगा ना, तो जर्नी जैसा तैसा बेटा पता भी नहीं चला। आधा रास्ते में तो हमको ब्लॉग बनाने भी नहीं मिला है कुछ, बहुत अच्छा मोमेंट था, बट हमको सो गया था, आपको पता भी नहीं चला कि अभी तक थक के सो गया था। कोई बात नहीं, फिर भी नेक्स्ट टाइम कभी दिन फिर जाएगा तो अच्छा ब्लॉग बना लेगा। तो आज के लिए मेरा ब्लॉग यही, हम मेरा अपना ब्लॉग को यही ख़त्म करेगा, बहुत थक गया। नेक्स्ट टाइम अच्छा ब्लॉग बना, अच्छा जितना हो सके नेक्स्ट टाइम अच्छे से बनाने का ट्राई करेगा। होपफुली आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ गाइस लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट्स कर दीजिए। ओके, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।